अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर आबाद, यहाँ पिछले 35 साल से फैमिली फिजिशियन हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और वैसे मैं बेसिकली डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, डाउ यूनिवर्सिटी से, लिहाजा स्पेशलिस्ट हूँ इस फील्ड में। और नॉर्थ यहाँ जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ एज ए फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। प्रोटीन्स के अंदर जो बेस्ट प्रोटीन होती है वो मछली में होती है, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और मछली से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है जिससे हमारे हरारत पैदा होती है, जिसमें में नॉर्मल हरारत पैदा होती है, ठंड से बचाती है, कमज़ोरी से बचाती है। बहुत सारे वाइटामिन होते हैं जो कि हमें असली घी से मिलते हैं, जो कि असली घी इसलिए बंद करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए कि उनको हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम होने का खतरा होता है, तो इसलिए अगर वो मछली उसके मुतबादल के तौर पर मछली इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा गुड प्रोटीन है, अच्छी प्रोटीन होती है, नेचुरल प्रोटीन होती है, तो मछली खाने के लिए बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा, गर्मी में लोग नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि मछली गर्म होती है, गर्म को वो पाया भी गर्म होता है, नहारी भी गर्म होता है। असल में बात यह है कि इसके खाने के बाद पानी इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, तो लोग ये समझते हैं कि खुश्की हो रही है तो गर्म है, एक्चुअली ये गर्म वर्म नहीं होती, उसमें प्यास ज़्यादा लगती है उसके बाद। सही। तो आप अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो कोई गर्म नहीं है, मतलब गर्मी भी खा सकते हैं, गर्मी भी खा सकते हैं। और खाना चाहिए हफ्ते में कम से कम एक मरतबा, तो कम से कम एक या दो बार मछली खानी चाहिए। वैसे इंटरनेशनली तो दो मरतबा बोलते हैं कम से कम, वही तो मैंने कहा एक से दो। सही है। अच्छा, एक और बात थी मेरे जन में, ये मछली के साथ दूध का इस्तेमाल जो कहते हैं वो वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, ये इसका सब बेकार बातें हैं। सही। इसका कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। सही है। इसको नहीं मानती। मछली के बाद आप दूध भी ले सकते हैं। सही कोई नुकसान नहीं है। सही। कुछ मछलियाँ चिकनी होती हैं, जैसे चुन्नी किस्तर मैंने देखा, उसके अंदर काफ़ी फैटी होती है, लेकिन इसका जो फैट होता है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है ना बड़े आराम से, डाइजेस्ट तो हो जाता है, गैदर नहीं होता बॉडी के अंदर। हमें ये देखना होता है कि अगर उसका कोई एज फैक्टर देखना है। अच्छा। अगर 35-40 साल से ज़्यादा का शख्स है तो उसको जो है इसका छिलका उतार के अंदर का वाइट गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। और 35-40 साल से पहले के जो अफराद हैं उनके लिए वो फैट फायदेमंद है। अच्छा। लेकिन 35-40 साल के बाद, चूँकि हमें ब्लड हमारे यहाँ हमारे माहौल में या तो शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा होता है, इसलिए हम लोग ये अवॉइड कराते हैं कि उसके अंदर चूँकि फैट ज़्यादा होती है तो फैट को अवॉइड करना होता है, तमाम एनिमल फैट्स को, सिर्फ उसी को नहीं, बड़ी की चर्बी है, बकरे की चर्बी है, मुर्गी की चर्बी है, गोश्त की, दूध की मलाई है, क्योंकि वो भी गाय से आती है ना, और तो दही की मलाई, ऊपर का मलाई है, वो सब हमने बंद करानी होती है 35-40 साल के बाद। अच्छा, मतलब फिश फैट भी सही नहीं है। फिश फैट भी 40 साल के बाद बंद करनी चाहिए, और वो छिलके में होती है। लेकिन इसमें तो ओमेगा 3 फैट्स होते हैं ना। ओमेगा 3 फैट्स तो होते हैं। हाँ। लेकिन उसके अंदर जो है ना वो हमें इस बात का खतरा होता है ना कि उनका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फिर हार्ट प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है, क्योंकि 40 के बाद पाकिस्तान में आमतौर पर ब्लड प्रेशर वगैरह कॉमन बीमारी है। हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हम लोग वर्जिश नहीं करते। वर्जिश नहीं करते हम लोग। प्रॉन्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। प्रॉन में अगर आप सिर्फ उसका वाइट गोश्त खा रहे हैं, वाइट ही गोश्त खाया जाता है जी, तो उसमें तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं। अच्छा। छिलके में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, और फिश चूँकि छिलके समेत खाई जाती है, खाल समेत। अगर आप अंदर का वाइट गोश्त खा रहे हैं तो वो तो प्रोटीन है। सही है। खाल में ज़्यादा फैट है। खाल में फैट है। सही है। और प्रॉन की खाल तब उतारी देते हैं तो फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। ठीक है, जज़ाकअल्लाह डॉक्टर साहब। मेरे के मुताबिक जितना मेरा इन था, मैंने कोशिश की कि आपको गाइड कर सकूं। नहीं, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया।